नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोटक वेल्थ हुरून इंडिया ने 2020 की देश की 100 सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नडार मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला हैं। उनकी कुल संपत्ति 54,850 करोड़ रुपए है। वहीं 36,600 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ बायोकॉन की किरण मजूमदार शॉ लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नडार है कौन। रोशनी नडार मल्होत्रा HCL कॉरपोरेशन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO के पद पर है। इसके साथ ही वो HCL टेक्नोलॉजीज के बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन और शिव नडार फाउंडेशन की ट्रस्टी भी रह चुकी हैं। IIFL वेल्थ इंडिया के मुताबिक 2019 में रोशनी की कुल संपत्ति 36,800 करोड़ रुपए थी। फोर्ब्स ने 2017, 2018 और 2019 में उन्हें दुनिया की 100 ताकतवर महिलाओं में शुमार किया था, लेकिन यहां तक पहुंचने का सफर भी कम मुश्किल नहीं था। रोशनी नडार दिल्ली में पैदा हुई और पली बढ़ी हैं। उन्होंने बसंत वैली स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की। अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी और इसी यूनिवर्सिटी के केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से रोशनी ने MBA किया। पिता के कहने पर 2008 में रोशनी नडार भारत लौट आई और कंपनी में हाथ बटाने के लिए अमेरिका के केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से प्रबंधन के गुर सीखे। HCL ज्वाइन करने से पहले उन्होंने कई कंपनियों में भी काम किया। रोशनी ने 2009 में HCL कॉरपोरेशन में शामिल होने से पहले स्काई न्यूज UK और CNN अमेरिका के साथ समाचार निर्माता के तौर पर भी काम किया, जिसके बाद 2009 में ही उन्हें HCL कॉरपोरेशन का कार्यकारी निदेशक और CEO बना दिया गया। 2013 में HCL टेक के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक बनाया गया। साल 2013 में HCL टेक बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक बनाया गया। साल 2010 में रोशनी नडार ने HCL हेल्थ केयर के वाइस चेयरमैन शिखर मल्होत्रा से शादी की थी। उनके दो बेटे अरमान और जहान हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।